हेलो, गिव मी अ फाइव। आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। क्या यार, मैं इतनी खुश हूँ और तुम मुझे वो टफ लुक्स दे रहे हो, स्पेशली वो अमिताभ बच्चन वाले। आज तो बड़ी खुश होगी तुम। हाय, डू आई गॉट अ प्रमोशन? व्हाट आर यू सेइंग? तो सारा श्रेय मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर तुम्हारे बॉस को मैंने जैन जापानी खाना नहीं खिलाया होता तो तुम आज प्रमोटेड नहीं होती। ओके, तो डबल मिठाई। हाँ, मिठाई कहाँ है? खाली हाथ क्यों आई हो? वो एक्चुअली ना, मैं बाजार से आ रही थी। मैंने सोचा बाहर से क्यों लेके आऊं जब तुम घर पे हो। तो मेरी बिल्ली मुझे क्यों मैं आऊं? Stop being cute. Come on, make me some good dessert. है ना, फ्रीजर में आइसक्रीम? Like आइसक्रीम खिलाओगी तुम मुझे? Come on, Kubra. यार दिमाग नहीं दौड़ा। तुम दिमाग मत दौड़ा, हाथ दौड़ा सकती हो? Yes. तो Kubra, घर पे क्या क्या है? कुछ भी नहीं। And you expect me to believe that? हर रोज बिग बाजार जाती हूँ, and you expect me to believe कि घर पे कुछ भी नहीं है? काम चोर, एक बार बताओ। बताओ। घर पे नट्स है? वॉलनट्स। नाइस। कोई लाल पीला हरा नीला फ्रूट्स है? चेरी। सुपर्ब। और Kubra के घर पे चॉकलेट ना हो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है ना? डार्क चॉकलेट, जस्ट लाइक यू। रेसिस्ट। अभी खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो और सारा सामान लेके आओ, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला आइसक्रीम ऑन वॉलनट क्रम्बल विद चोकोमोका गनाश एंड मराशिनो चेरीज फ्लैम्बेड। ये तो मैं ठीक तरह से बोल भी नहीं सकती। बाबा ठीक तरह से खा लो, बोलना किसको है। ओके, चलो अभी टोटल वन बाइट। Absolutely no bites, because ये मेरे लिए बन रहा है और तुम बनाने वाली हो। Kubra, walnut crumble बनाने के लिए हमें पहले चाहिए walnuts, castor sugar, yellow butter and biscuits. ये कोई भी biscuits हो सकते हैं। Kubra, सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन लेकर आओ। Hey, here it is. क्या बात है यार, I love your cookware, so elegantly designed. Yes, it's prestige का cookware यार, and look, it's so elegant and it's induction compatible. Induction compatible. तो मुझे आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो ये cooktop है, वो एक hybrid cooktop है? Absolutely. And in fact, did you see this feather light touch buttons? इसका मतलब मुझे अगर temperature नीचे करना तो बस. बस. And guess what? Kubra, desi is na, it's very cool. क्योंकि इसमें वो आप डोसा बना सकते हो, करी, चपाती, ये वो वगैरह, everything is already ready. इसका मतलब कोई भी गधा घोड़ा बन सकता है। पहले हम वॉलनट्स को रोस्ट करें। ओके। करो 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 करो। आपका ये वॉलनट्स ब्राउन हो गया? उसमें से खुशबू आ रही है। सुपर्ब। अभी हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते हैं। कम कर देंगे, वापस 1200 से 800 पे ले आएंगे। ओके। अब आप इसमें एक कप चीनी डालिए। ये कैस्टर शुगर है, इससे हम अपने वॉलनट्स को कैरामलाइज करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन डालिए। 2 टेबलस्पून। ओके। यार प्रमोशन मिला है, थोड़ा बहुत तो इंडल्जेंस बनता है। बस 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 बस। लवली। अब इजंट इट लुकिंग नाइस एंड ब्राउन एंड ब्यूटीफुल? यम्मी। अब हम इसमें अपने बिस्किट्स को डालेंगे। आप इसको उठाइए। नहीं, ऑफ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑफ हो जाता है। जो थोड़े बहुत जो ब्रेनी लोग होते हैं, जो कुकटॉप से ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं ना, ये एक्चुअली उनके लिए बनाया गया। अच्छा ठीक है, बिस्किट। अब इसमें आप बिस्किट क्रम्पल करके हाथ से डालिए। हाथ से डाल दूं ना? जी डालिए डालिए। खुशबू मस्त आ रही है। मस्त। अब Kubra, या हमारे क्रम्बल का बेस तैयार हो गया। बेस इज ऑलरेडी रेडी। हाँ, तो अब हमें इसको क्रम्बल करना है। आई एम श्योर तुम्हारा अगर किचन है तो एक अच्छा सा मिक्सर ग्राइंडर तो हो गया ही। ऑफ कोर्स यार, अभी रिसेंटली लिया था, द बजाज का मिक्सर। क्या बात है। इसमें हम देखते हैं कि इसको हमें एकदम फाइन चूरा नहीं करना है। okay. हमें इसको छोटा छोटा रखना है, तो इसको हम स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा करके। और ये हमारा तैयार हो गया बेहतरीन gooey walnut crumble. Yum. Here you go. Looks delicious. So, beautifully, अब हम इसको खाली करेंगे अपने बोल में. Okay. Walnut crumble हमारा तैयार है. अब हमें आइसक्रीम के ऊपर में जो चोको मोका गनाश डालना है, उसकी तैयारी करते हैं. You mean like the गन्ना गनाश? नहीं, गनाश. Oh, गनाश. क्या? पर इसमें काफी सारी चीजें जाएंगी। अब मेरा चेहरा मत देखिए, जल्दी से
चोकोमोका गनाश की चीजें आप जल्दी से यहाँ पे लेकर आइए। जल्दी से लेके आती हूँ, जल्दी से। और चोकोमोका गनाश बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट, फ्रेश क्रीम, डार्क स्पाइस रम, ब्लैक क्रस्ट पेपर और वनीला पॉट। इंग्रेडिएंट्स सारे आ गए। अब हमें जरूरत है एक डबल बॉयलर की। डबल बॉयलर? यार पहले बताना चाहिए था ना। आई टोल्ड यू कुछ नहीं है, मेरे पास डबल बॉयलर नहीं है। कुबरा, ये तुम्हारा किचन, यहाँ पे ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो नहीं हो सकती। सॉस पैन है? हाँ है। तो उसमें आधा पानी भर के लेकर आओ। ओके। और साथ में हाँ, एक टफन ग्लास या हीट प्रूफ ग्लास का आपके पास बोल है? है। ले आओ। ओके। गैस पे इसको रखो और इसको उसके अंदर डालो। रियली? यस। और ये तैयार हो गया आपका खुद का डबल बॉयलर। और अब पानी को आप उबालिए और इसमें चॉकलेट डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट में आपकी चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट। आई हैव अ बेटर आईडिया, व्हाई कांट वी जस्ट पुट दिस इन आवर कन्वेक्शन माइक्रोवेव? अगेन वही, चॉकलेट बहुत डेलिकेट चीज होती है। उसको इवनली अगर आपको मेल्ट करना हो तो वो डबल बॉयलर में होता है। दिस इज मेल्टिंग। एग्जैक्टली। अब आप ध्यान से करिएगा क्योंकि ये गर्म हो गया होगा। प्लीज, जब तक ये मेल्ट हो रहा है तब तक हम अपने क्रीम को अच्छे से फेंट लेते हैं और उसमें वनीला पॉड का फ्लेवर डालते हैं। इससे फेंटे? इसी से ही फेंटेंगे हम। फेंटे? मेरे ख्याल से चॉकलेट अब मेल्ट हो गई होगी। बिल्कुल। आपके लिए मैं एक मिटन लाया ताकि आप उसको पकड़ के एक बार पूरी तरह से एक बार स्कूप करके देख लें कि वो हो गई है या नहीं हुई है। Beautiful, rich. Just like that, right? You see the shine in the chocolate? I do. अगर यही अगर आपने microwave में डाला होता तो वो shine कभी नहीं आती। Really? अभी बंद कर दो। अभी आप बंद कर दीजिए, पानी उबल गया है। Okay. और आप उसमें रहने दीजिए, वो चॉकलेट कभी भी किसी भी हालत में आप दोबारा solidify नहीं होगी। In the meantime, let us make some interesting cream with vanilla essence. 4 चम्मच क्रीम के डालें। 4 करीबन 400 ग्राम चॉकलेट में 4 चम्मच क्रीम। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा नेचुरल वनीला पॉड्स के सीड्स डालेंगे। एक सेकंड, इतनी मेहनत कर ली है ऐसे वनीला एसेंस है? देखिए वनीला एसेंस सिंथेटिक होता है और नेचुरल चीजों में जो बात होती है वो सिंथेटिक चीजों में। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। व्हाट? दैट वाज नॉट आवर डील। हमारी डील थी कुछ मीठा बनाना, ये ब्लैक पेपर से क्या होगा? कहानी में ट्विस्ट, इट्स टू स्वीट विदाउट अ स्पाइस। तो हम ये स्पाइस डालेंगे। हाँ, क्योंकि वॉलनट क्रम्बल में भी स्वीटनेस है, चॉकलेट भी स्वीट है। करेक्ट। अब कहीं ना कहीं आपको एक सरप्राइज एलिमेंट चाहिए जो कि जब आप खा रहे हो करके आपको एक झटका सा मिलेगा जो होगा क्रश्ड ब्लैक पेपर का। नो वे। और आप पूछेंगे ये क्या था, वही चीज आपको उस डिश को ज्यादा दिन तक याद रखने में हेल्प करेगी। डन। कितना डालना है? स्पाइसी नहीं हो जाएगा ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं। ओके। आपके पास बहुत है। वाओ यार, इसका तो अभी पूरा स्मेल ही चेंज हो गया है। अब आप इसमें ये क्रीम मिलाइए। ऑल ऑफ इट? ऑल ऑफ इट। ये आपके चॉकलेट गनाश को और भी ज्यादा रिच कर देगी। अब वापस इसको गनाश रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डालेंगे स्पाइस्ड डार्क रम। बट आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल यार। बालिके, जब अल्कोहल किसी गर्म चीज में पड़ती है तो अल्कोहल उड़ जाता है और रह जाती है तो सिर्फ फ्लेवर्स। रियली? अब और ये वापस इतना सॉफ्ट हो गया। एग्जैक्टली। अभी आप इसको ज्यादा जोर से ना करें, चॉकलेट डेलिकेट है। इसको वापस जो आपके सॉसी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए इसको हम दोबारा उस गर्म पानी पे चढ़ा के रखें। ऑन करूं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी गर्म है और उतने से गर्म पानी में वो काफी है। इसको आप छोड़ दीजिए। अब तैयारी करते हैं हम फ्लैम्बेड मराशिनो चेरीज कंपोटे के। चलिए, मराशिनो चेरीज फ्लैम्बे के लिए चाहिए हमें मराशिनो चेरीज, पीला मक्खन, सिनेमन स्टिक्स, थोड़ा सा डेमेरारा शुगर, थोड़ा सा रसबेरी जूस। तो हमारे ये एक्शन पैक्ड सेलिब्रेटरी फिल्म में और एक ट्विस्ट। रियली? एप्पल साइडर विनेगर। विनेगर? जी बिल्कुल। इम्पॉसिबल यार, हाउ इज दैट पॉसिबल? इसमें टैंगी फ्लेवर होता है। तो आपके डिजर्ट में मीठा है, तीखा है, थोड़ा सा आप एक खटास भी लेके आते हैं तो आपकी स्टोरी में और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। यू नो, फुल ऑन बॉलीवुड कहानी। डन। इज दिस द लास्ट थिंग? नो, मेरा हीरो मटेरियल तो अभी बाकी है।
क्योंकि फ्लैम्बे किससे करेंगे? फ्लैम्बे करने के लिए हमें हमारी वापस डार्क स्पाइस रम फिर से चाहिए। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स और अब हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए इसके लिए कुछ अच्छे कुकवेयर्स लेकर आइए। चाहिए तो हमें एक फ्राइंग पैन। ओह दैट्स वेरी इजी। मेरा प्रेस्टीज का इंडक्शन फ्राइंग पैन इज राइट हियर। इनक्रेडिबल, इट लुक्स ब्यूटीफुल। है ना? इसको क्या करना है? हाँ, इसको हटा के हम साइड में रखेंगे। ओके। इसके पानी से हम इसको अलग नहीं करेंगे ताकि इसका जो लिक्विड सेमी लिक्विड स्टेट है वो वैसे का वैसे ही रहे। एक्सीलेंट यार, आई एम इन लव विद दिस यार। कितना स्लीक, कितना एलिगेंट और कितना हैंडी है ना। दैट इज वेरी ट्रू। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, 1000 पे ले आते हैं। ओके। और हम इंतजार करते हैं कि ये गर्म हो जाए। अगर आप नहीं बेर कर सके मतलब कि आपका पैन अच्छे से गर्म हो गया। मेरे ख्याल से अब हो गया होगा क्योंकि इंडक्शन प्लेट बहुत जल्दी गर्म करती है। और अगर प्रेस्टीज की इंडक्शन प्लेट हो तो और ज्यादा जल्दी। या इट्स क्वाइट हॉट एंड सैसी। ये चलो अब आप डालिए आधा चम्मच बटर, 2 टीस्पून डेमरारा शुगर। ये हो गया हमारे 2 टीस्पून। पहले हम थोड़ा शुगर को कैरमलाइज होने देंगे। अब आप इसमें डालेंगे चेरीज। बस मेरे ख्याल से काफी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रास्पबेरी जूस। ओके। अब ये डालते ही जो हमारी चीनी है वो हार्ड हो जाएगी क्योंकि इसमें चीनी मिल जाएगी, घुल मिल जाएगी। थोड़ा सा अब इसमें विनेगर डालते हैं। तो कुबरा मराठी में चेरीज दो तरीके के होते हैं, काले वाले और एक लाल वाले। करेक्ट। लाल वाले बड़े सैसी से होते हैं और काले वाले थोड़े से बिटरिश, थोड़े से मोर फ्लेवरसम होते हैं। तो ये हमने दोनों को मिला के एक साथ बना रहे हैं ताकि आपको दोनों एक्सपीरियंसेस एक साथ मिले। हाउ इंटरेस्टिंग। हे, मैं एक सजेशन करूं, ये सारे फ्लेवर्स उड़ नहीं जा रहे? बिल्कुल सही कुबरा, यू आर ऑलरेडी गेटिंग द हैंग ऑफ कुकिंग। व्हाई डोंट यू गेट द कवर एंड लिड फॉर दिस ब्यूटीफुल पैन। डन। प्रेस्टीज पैन, हां एब्सोल्युटली। और इस चेरीज की प्रेस्टीज को बरकरार रखें। सुपर्ब। ओके। और अब हम इंतजार करेंगे जबकि इसके जितने सॉसेस हैं इसके अंदर में अब्सॉर्ब हो जाएं और ये सॉफ्ट हो जाए और तब तक एक थिक नाइस सॉसी सा कंपोते सा ये प्रिपेयर हो जाए। एक्सीलेंट। यानी यू आर सेइंग कि हमारा सब काम धाम हो गया है? ऑलमोस्ट। अब बस बारी है तो सिर्फ इन चीजों को एक साथ लाने की और फिर खाने की। खाने की, खाने की। हेलो, मैंने बनाया है यार। तो किसके लिए बनाया है? प्रमोशन हमारे लिए। आपके एक बाइट्स, मेरे बाकी सारे बाइट्स। मेरे ख्याल से ये तैयार हो चुका है। देखिए आपकी जो ये सिजलिंग सी जो सॉस है, सो गुड। यस। और इसके अंदर के जो जितने भी फ्लेवर्स हैं सब चेरीज के अंदर में एकदम सिमट के आ चुके हैं। अब सिर्फ इसमें दो चीजें बाकी हैं। जैसे कि एक स्पाइसी फ्लेवर चाहिए। द सिनेमन बार्क। दालचीनी। हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से डालेंगे। ओके। हमने पहले क्यों नहीं डाला? आप बटर के दौरान भी डाल सकते हो। ओके। मगर फिर क्या होगा कि इसका जो फ्लेवर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है वो इसको ओवरपावर कर लेगा। क्योंकि चेरी का फ्लेवर ऑलरेडी काफी माइल्ड होता है। अब सिर्फ और एक सिर्फ लौता जो इस पे काम बाकी है वो है आग लगाना। अब हम उठाएंगे और इसमें आग लगाएंगे। क्लाइमैक्स तो चाहिए ना। अब हर फिल्म में क्लाइमैक्स पहुंचने के लिए ये हमारा क्लाइमैक्स है। ओ। अब देखिए तयार हो गया हमारा ये मराठीनो चेरीज। अब मुझे सब मिक्स कराओ। अब मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। खिलाओ। ओके, तुम्हारे हाथ में। चलो खाते हैं। चलो अब इसके लिए यार एक बात बताओ। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, प्लेट पर बैठ के तो नहीं खा सकते? मेरे नए वाइन ग्लासेस लेके आ यार। वाइन ग्लास, right? कभी डेजर्ट वाइन ग्लास में कभी खाया? बट इट्स सेलिब्रेशन टाइम, व्हाई नॉट। हम इसमें डालेंगे पहला लेयर। ओके। जो कि है हमारे वॉलनट क्रम्बल का। ओके। ठीक है, हमें चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आइसक्रीम। नाइस। हो गया हमारे दो लेयर्स डन। अब तीसरी, हमारा ये चोको मोका गनाश। लुक एट दिस। एग्जैक्टली।
और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ कुबरा, जितना भी मैं चॉकलेट डालूं उतना तुम्हारे लिए कम है। yes. ये हो गया चॉकलेट। Yum. अब हम डालेंगे इस पे हमारा मोका। You mean coffee? Exactly. ये हमारी थोड़ी बिटरनेस के लिए बस। Okay, done. Lovely. Lovely. अब लाइए हमारे रंग बिरंगी इस चेरी फ्लैम्बेड चेरीज को। ये जो खूबसूरत सा हमारा सॉस में डूबा हुआ सिनेमन स्टिक। योर जीनियस। रुको रुको, अभी तो बात बाकी है। ब्लैक पेपर जी अगेन। तो ये है कुबरा तुम्हारी प्रमोशन की सेलिब्रेशन का मिठाई एंड डेजर्ट। कांग्रेचुलेशंस। अब अभी प्रिटेंड करो दोबारा तुम वहां से आ रही हो और इस बार मिठाई लेके आ रही हो। मैं वापस किताब पढ़ रहा हूँ। रजत, बड़ी खुश लग रही हो आज। यार तुमने तो मतलब सुना ही नहीं ना, प्रमोशन मिल गई। क्या बात कर रही हो, ये जरूर मैंने जेन जापनी खाना जो बनाया होगा उसके लिए बनाया होगा। yes. यार एक बात बताओ मिठाई कहाँ है? तड़ा। अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत सी मिठाई है। यार कम आइसक्रीम आपको दी थी। So well, देखा सेलिब्रेशन ऐसे किया जाता है। और अगर आप भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस डिश के साथ तो डाउनलोड कीजिए रेसिपी इस पेज के लिंक पर। और यहीं पे आप देख सकते हैं बिग बाजार के सारे प्रोडक्ट्स और उनके ऑफर्स।